नमस्कार दोस्तों, मैं राखी शुक्ला आप सभी का अपने चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो डाल दी है, अब सेकंड वीडियो अपलोड करेंगे। तो क्योंकि हमें पहले फीवर हो गया था तो काफ़ी लेट हो गई है हमारी वीडियो, तो दो तीन डाल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा सिलेबस जल्द से जल्द हो जाए। तो देखेंगे हमारा, पहले हमने कितना किया था, 11 क्वेश्चन किया था, 11 की तरह हमारा 12 है, तो अब हम करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है, इसीलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और काफ़ी लॉन्ग भी है, आपको प्रूफ करना है, थोड़ा समझाना भी पड़ेगा, इसीलिए पहले ही हमने भी सॉल्व कर लिया है। तो इफ़ द थर्ड डिफरेंस, क्योंकि इसमें क्या गया कहा गया है, इफ़ द थर्ड डिफरेंस आर कॉन्स्टेंट देन प्रूफ दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, वाई एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, कोष्टक में वाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 16 डेल स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास कोई भी इसमें क्लू नहीं दे रखा है, तो अब हम जानते हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम प्रूफ के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ करनी है, इसमें से इतना प्रूफ करना है हमें। तो हम जानते हैं, वी नो दैट बाई वेसल्स फार्मूला, तो वेसल्स फार्मूला हम सबको पता है क्या होता है, कि वाई पी इज इक्वल टू 1/2, कोष्टक में वाई जीरो प्लस वाई वन प्लस पी माइनस 1/2 डेल वाई जीरो प्लस पी पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल उसका वाई माइनस 1 प्लस डेल उसका वाई जीरो अपॉन 2। तो अब हम देखेंगे इससे हमारा ये प्रूफ होके आ जाएगा। तो लेट माना पी इज इक्वल टू 1/2 है, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू पर कितना 1/2, तो हम प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो p इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया 1/2, पुटिंग इन इक्वेशन, तो ये हमारे मान लो इक्वेशन है कोई भी, तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन है। तो अब हम इसमें करेंगे, तो p इज इक्वल टू, तो वाई पी वाई 1/2, यहाँ पे 1/2 ये तो वही रहेगा सेम, क्योंकि p है नहीं यहाँ पे। अब इसमें हम 1/2 करेंगे और माइनस 1/2 हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा एलिमेंट, तो हमने ये जीरो डेल वाई जीरो लिख दिया, तो इसमें जीरो का मल्टीप्लाई होता तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा, तो माइनस के 1/2 लिख लिया हमने, अपॉन में कितना फैक्टोरियल 2, फिर हमारा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई वाई जीरो अपॉन 2, तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे ये तो हमारा कैंसिल हो गया, जीरो है तो ये तो हमारा जीरो ही हो गया पूरा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब हम इसमें देखेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा माइनस के, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना ये 2 आ जाएगा हमारा, देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो गया, तो इसका डिवाइड ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 1/16 हो जाएगा, और माइनस हमने आगे रख लिया, तो डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, तो ये हो गया। अब हम अगर इनमें जीरो जोड़ दें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारी इक्वेशन वैसे ही रहेगी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे वाई जीरो प्लस 1/2 प्लस 1/2 वाई जीरो प्लस जीरो प्लस वाई जीरो प्लस 1, क्योंकि 1 है हमारा, अब ये तो जीरो ही हो गया 1/16 डेल्टा स्क्वायर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई जीरो माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो प्लस जीरो, तो ये हो गया। तो अब हमने क्या किया, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हम सोच अब लोग सोचोगे कि यहाँ पे एक्स तो है नहीं, जीरो तो है ना, तो जीरो किसके बराबर मानी एक्स, तो हम जीरो की जगह पे कितना रख सकते हैं एक्स, तो यहाँ पे हम रख देंगे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/2 वाई एक्स, क्योंकि जीरो की जगह एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये जीरो हमारा वैसे ही है, तो इसमें जीरो जोड़ेंगे एक्स में, तो उससे कोई वो नहीं होगा हमारे क्वेश्चन पे, तो हमने जीरो को हटा दिया है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 हो गया माइनस 1/16 डेल्टा स्क्वायर है वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स प्लस जीरो, तो यहाँ से भी जीरो हटा दिया हमने, अब तो वाई एक्स प्लस 1/2 प्लस 1/2 वाई एक्स प्लस 1 माइनस 1/16 कोष्ठक में डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई एक्स, तो यही हमें प्रूफ करना था।
तो ये हमारा प्रूफ हो गया बेसल्स फॉर्मूले से। तो इसको एक बार रिवाइज कर लें तो इससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो समझ में आई हो तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।